तो लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर दो फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। पहली हारिस रऊफ की है और दूसरी किसकी है, दूसरी है शादाब खान की, और शादाब खान के साथ हार्दिक पांड्या है। तो हारिस रऊफ वाली पिक्चर में ईशान किशन है। दरअसल पाकिस्तान बहुत अच्छे रन के हिसाब से चल रहा था, बॉलिंग बहुत ही खतरनाक हो रही थी। जो पेसर्स है वो इंडियन के टॉप ऑर्डर पर पूरी तरह से हावी थे, लेकिन फिर क्या होता है, फिर पारी रुक जाती है। पारी ऐसे रुकती है कि ईशान किशन 82 रन मार जाते हैं और जो हार्दिक पांड्या तो 87 रन मार जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के बॉलर बौखला जाते हैं। फिर हारिस रऊफ विकेट निकालते हैं ईशान किशन का और कुछ इस तरह से सेंड ऑफ दिया जाता है। ये कुछ इस तरह से दिया जाता है कि ऐसा लग रहा था मानो ये कह रहे हैं कि निकलिए, अग्रेशन वो दिख रहा है। मतलब आप देखेंगे इस तरह, हमारे अभी यहाँ पर आपके साथ जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हम जरा ट्विटर पर देख रहे थे क्या चल रहा है ट्विटर पर, मैच खत्म, क्योंकि मैच तो पूरा हो नहीं पाया, अधूरा मैच रह गया, एक इनिंग के बाद मैच रुक गया। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चीज शेयर की जाए। और ये अग्रेशन दो तीन सवाल उठाता है। सबसे पहली बात ये उठाता है कि जब हम मैच के प्री मैच देख रहे थे तो बहुत अच्छे से मिल रहे थे, विराट कोहली की एक बहुत अच्छी फोटो आई थी जहां पर वो हारिस रऊफ से मिल रहे थे, शादाब खान से, और क्या कहते हैं आपको, रोहित शर्मा की एक वीडियो आई थी वो भी बहुत, बाबर आजम से मिल रहे थे, ये जो वीडियो आई थी बहुत अच्छे मतलब मैसेज दे रही थी कि ठीक है वो जो राइवलरी थी, जो एंग्री वाली राइवलरी चल रही थी, पहले वो कहीं ना कहीं खत्म थी। अब ये जो आई है, मैं एक बार चाहूंगा कि जरा आपको दिखाया जाए और डिटेल में, और एक वीडियो बहुत चल रही है जिसकी ये पिक्चर है जहां पर हारिस रऊफ ईशान किशन को स्क्रॉल करना इसको जरा मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वीडियो जो है, ये वीडियो बहुत चलाई जा रही है, कैच हुआ, कैच लिया, उसके बाद ये जो अग्रेशन था, ये अग्रेशन इस तरह से, और स्क्रॉल कीजिए उसको, और स्क्रॉल कीजिए जरा, इस वीडियो का बहुत वो चल रहा है, कई सारे लोग इसको इस तरह आप लोगों ने, आपने भी देखी होगी ये वीडियो, इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से हारिस रऊफ एकदम अग्रेसिवली उनको सेंड ऑफ देते हैं। ये सेंड ऑफ ऑल्दो मुझे याद दिला दे वेंकटेश प्रसाद वाला, जब वेंकटेश प्रसाद को प्रसाद ने सेंड ऑफ दिया था आपको, सुहेल को तो ये वो सेंड ऑफ था, लेकिन इस सेंड ऑफ में अग्रेशन था अननेसेसरी, क्योंकि पहले ईशान किशन ने ऐसा कुछ किया नहीं था। एक और फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं आपको एक बार हारिस रऊफ की याद दिलाता हूं। हारिस रऊफ अच्छा बीबीएल खेले 2020 के राउंड में, तो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, तब इन्होंने एक और सेंड ऑफ चला था, बहुत ज्यादा नए अनकैप थे उस टाइम, पाकिस्तान के लिए डेब्यू भी नहीं किया था, 3 मैच में 10 विकेट झटक लिए थे। उन्होंने डेनियल सैम्स को बहुत तेज बॉल पे बोल मारा था, उसके बाद कुछ गला काटने टाइप का इनका एक एक्शन था, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि उसके ऊपर इन्हें चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने वो चीज बदल ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर से प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाए, और जिस तरह से इंडिया ने फाइट बैक किया उसपे हारिस जाहिर कह रहे हैं कि आप छोटे हैं और बॉलर स्टाइल भी ना करे, बात छोटे या बड़े की नहीं है, बात सिर्फ यहाँ पर हमारे आने का मेन मकसद यह है कि आप मैच के पहले जो एक मतलब मेरा बेसिकली ये सवाल है, और मैं देखना चाह रहा था कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो मेन ट्रेंड पर चल रहा है उसके बारे में बात करने का। एक चीज और ट्रेंड कर रही है आप, एक चीज और ट्रेंड ये भी कर रही है ना, दूसरे वाले फोटो जो अच्छा, कि अच्छा है, अच्छा दूसरा फोटो दिखा, दूसरा फोटो दिखाना, अब ये फोटो देखिए, ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। तो यहाँ पर दो फोटो जो आ रही है, एक में बहुत ज्यादा अग्रेशन है, अभी अग्रेशन का एक और रीजन हो सकता है, ईशान किशन ने छक्का मारा था उसके ऊपर, छक्का मारा था, अब वहां पर मे भी उसका अग्रेशन हो, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये था कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये अग्रेशन जाए नहीं, ये भी तो एक इमेज है ना, ये भी मैच की इमेज है, हार्दिक पांड्या शादाब खान ईशान किशन पीछे देख रहे हैं, तो लगा कि मतलब उसको किस तरह से बड़ा अच्छा लेटेस्ट टाइप के हो जा रहे हैं, ये दिखाता है, ये जो इमेज है आपको कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि यू नो जिस तरह से हमने मैच के प्री मैच देखा, अच्छा फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, अच्छा वो देखा, लेकिन बस वो मैं सेंड ऑफ को लेकर के मैं थोड़ा सा शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वरना अदरवाइज हारिस रऊफ बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है, लेकिन कई बार ना हारिस रऊफ के साथ पहली वाली दिक्कत आई थी, जब वो स्लिट थ्रोट वाला जो एक सेंड ऑफ फास्ट बॉलर में अग्रेशन होता है, सही बात है, बहुत सारे ग्लेन मैक्सवेल, कई सारे फास्ट बॉलर गुजरे, जाहिर खान,
आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो सेंड ऑफ सही था? मतलब मेरा जस्ट जानना है, मेरा जानना है आप लोगों से, आपने भी मैच देखा, हमने भी मैच देखा, और हम साथ में बैठ कर मैच देख रहे हैं, हमारे साथ इंडिया इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल नेपाल जाकर तरीके के हर जगह के लोग हैं जो हमारे हैं। जुड़े हुए हैं। तो बस तो सवाल मैं ये जानना चाह है रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या वो और अग्रेशन उस देखिए टाइम देखिए पर सही देखिए ये था? आप पीछे ये देखिए ये मैच के बाद पूरा सब कुछ ठीक है, लेकिन शादाब ठीक खान है, जो शायद वो है अग्रेशन इसलिए आया क्योंकि ईशान किशन लगातार बाहर लगातार हो गए। लगा रहे थे, वो लगातार 150-200 समेट देंगे, वो नहीं समेट पाए। तो और वो उसके कहीं बाद कह मुझे लगा कि रहे डोंट ईशान माइंड का हीट भी ऑफ हाँ द मोमेंट। हाँ जी हाँ, माइंड नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से मोहम्मद रिजवान कलीम, मलिक रिजवान कलीम, हम माइंड नहीं कर रहे इस चीज को, हम बस आपसे जानना चाह रहे यस, हैं ये भी एक कि फोटो। ये देखिए तो विराट ये मतलब भी देखो फोटो है। इंडिया पाकिस्तान के आजकल रिलेशंस जो हो रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। जब भी हम देखते हैं कोई सा मैच हो, बड़े अच्छे से मिलते हैं। मुझे याद है विराट कोहली की विराट बातचीत जिस तरह से होती है खिलाड़ियों के साथ, मोहम्मद आमिर के ऊपर आने याद है आप, सरफराज अहमद और महेंद्र सिंह धोनी का आपको याद होगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे फोटोज भी आते हैं, लेकिन मुझे इस लगता तरह है की कि वीडियो काफी सारे आना लोग यहाँ पर हैं, मतलब कुछ लोग तो खैर ये कह रहे हैं, सरीश मोलू कह रहे हैं कि बिल्कुल सही था, 100% सही था। तो सही होने का मतलब तो आप मेरा बस कमेंट में बताते जाइए, खैर अपने 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 रीजंस होंगे अपने लोगों रीजन के तो पास। मुझे, और रीजन मुझे ये लगता है उनके हरे सौफ का ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने वो जो प्लानिंग थी 3 विकेट बिल्कुल गिरने के नहीं यार, समझ बाद, 4 विकेट 4 विकेट गिरने के बाद उसको जो बचाया था, उस वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गया था थोड़ा फ्रस्ट्रेट बॉल हो गए थे लेकर, कि यार हमने ओपन इतना अच्छा करा, फिर ये दोनों आकर के 100 रन से मोर देन 100 की वो पार्टनरशिप कर 200 ली। ओवर की मे पार्टनरशिप भी होती है। कहीं ना कहीं वो एक नो डिसअपॉइंटमेंट था जिसको, जिस पार्टनरशिप को हैरिस बॉल ने तोड़ा, और हालांकि उस उसके एग्रेशन बाद के बाद से बहुत शानदार बॉलिंग हुई हाँ, पाकिस्तान और की, उसके ये भी आप बाद मानेंगे। वो हैरिस बॉल का एक अग्रेशन आया कि फाइनली आई गॉट यू आउट एंड नाउ यू कैन लीव। मे भी हाँ दैट बस वाज द यही रीजन। चीज होती है, हाँ, चलो तो ठीक है। आई एग्री कि बाकी फास्ट अपने बॉलर में अपने अग्रेशन होता ओपिनियंस है। हैं, आपको क्या लगता है किस हद तक ही सही है और किस हद तक नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल यानी कि अगली बार लाइव में।